लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2005% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, जिन पर 20 रुपए आवेदन पर तथा शेष प्रीमियम सहित आवंटन पर दिए थे। ए लिमिटेड के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 2000 ऋण पत्र है हमारे पास, एक ऋण पत्र 100 रुपए का है और 5% वाले ऋण पत्र है ये, और इस पे प्रीमियम जो है वो 10% निर्धारित की गई है। 20 रुपए आवेदन के साथ हमको एप्लीकेशन जब मिला तब हमको एंट्री करनी है, और बाकी जो बचा यानी कि 80 रुपीज की जो एंट्री है वो हमको अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम सहित करनी है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, जबकि एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो रिसीव होगी तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ 2000 डिबेंचर्स रिसीव। तो यहाँ पर क्योंकि 2000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर जो है वो 20 रुपीज का है तो ये 40,000 हो जाएगा, और उसके बाद इस जो 40,000 की जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट और 40,000 हम ट्रांसफर कर देंगे। अब हमको जो बैलेंस अमाउंट बचती है उसके लिए एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट की हम ड्यू की एंट्री करेंगे और उसके बाद पर रिसीव की एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ में हमको इंक्लूड करके लिखना है। टू यहाँ पर एंट्री होगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर जो डिबेंचर की अमाउंट है वो टोटल अमाउंट है 2000 शेयर्स पे 80 रुपीज, तो ये हो जाएगा 1,60,000, और क्योंकि 100 रुपीज पे 10% प्रीमियम देना है यानी कि 10 रुपीज प्रीमियम देना है तो 2000 शेयर्स पे 10 रुपीज यानी कि 20,000 प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी, और टोटल जो है अमाउंट 1,80,000, फिर उसको जोड़ के हम डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर्स। उसके बाद अब रिसीव की एंट्री हम करेंगे, अलॉटमेंट की जो मनी है विद प्रीमियम रिसीव हो रही है तो ऐड करके हम इसकी एंट्री करेंगे, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और 1,80,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे बीइंग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव। एक कंपनी ने 100 रुपए वाले 1,006% ऋण पत्र 110 रुपए में निर्गमित किए, राशि इस प्रकार दे थी 30 रुपए आवेदन पर, 5 रुपए प्रीमियम सम्मिलित है, 30 रुपए आवंटन पर जिसमें 5 रुपए प्रीमियम सम्मिलित है, 50 रुपए प्रथम व अंतिम याचना पर। सभी ऋण पत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई, पंजी के आवश्यक लेखे कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रीमियम पर ऋण पत्रों को निर्गमित किया गया है और प्रीमियम जो है वो दो बार हमको मिल रहा है, 10 रुपए प्रीमियम है क्योंकि यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं कि एक शेयर जो है वो 100 रुपए का है और 110 में निर्गमित किया गया है, तो 100 - 110 में डिफरेंस जो 10 रुपए आता है एक्सेस आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो ये हम मानेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो प्रीमियम की अमाउंट है 10 रुपए, और उसको दो बार लिया गया है, एक बार आवेदन पर 5 रुपए लिया गया है, फिर आवंटन पर 5 रुपए लिया गया है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ 1000 डिबेंचर रिसीव, जो 1000 शेयर है और एक शेयर जो है वो 30 रुपीज का है, 5 रुपए उसमें प्रीमियम सम्मिलित है जिसकी अब हमारे पास टोटल 1000 शेयर है और एप्लीकेशन मनी जो है वो 30 रुपीज है, 30 रुपए है, जिसमें कि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इसमें से इस 30 रुपए में से 5 रुपए जो है वो प्रीमियम की शामिल है। इसका मतलब ये है कि वास्तव में एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो केवल 25 रुपए 25 रुपीज ही है, तो 25 रुपीज से हम यहाँ पर एंट्री जब ट्रांसफर की करेंगे तो हम करेंगे, फिलहाल क्योंकि प्रीमियम सहित राशि प्राप्त हुई है तो यहाँ पर जो हम अमाउंट लिखेंगे वो 1000 × 30 30,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब जब इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू 6% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि हमने देखा था कि एक्चुअल जो एप्लीकेशन के जो अमाउंट है वो 25 रुपीज ही है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में हम 2.6% डिबेंचर अकाउंट में 25,000 लिखेंगे, यानी कि 1,000 इंटू 25,000। और प्रीमियम की जो मनी है वो 5 रुपीज है, तो 5 रुपीज से ही हम उसकी एंट्री करेंगे, तो 1,000 शेयर्स पे 5 रुपीज यानी कि 5,000 रुपीज प्रीमियम मिला है, और टोटल जो है 30,000 से हम डिबेंचर एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। अब इसमें भी 5 रुपीज प्रीमियम है, टोटल अमाउंट यहाँ पर 30 दी गई है, तो यहाँ पर भी ये मानना है कि 25 एक्चुअल अलॉटमेंट के जो अमाउंट है वो 25 है और बाकी जो 5 रुपीज है वो प्रीमियम के हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि ड्यू में हमने यहाँ पर एंट्री की है डिबेंचर प्रीमियम की, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है 1000 इंटू 30, उससे 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपीज से, और उसके बाद 5% डिबेंचर अकाउंट 25,000 से जो है डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रीमियम भी 5 रुपीज है, तो 1000 इंटू 5 5,000 हो जाएगा, और यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बींग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट ड्यू ऑन 1000 डिबेंचर्स। फिर हमको इसके रिसीव की एंट्री करनी है, तो क्योंकि विद प्रीमियम रिसीव हो रही है अलॉटमेंट मनी, तो हम एक ही एक साथ जोड़कर इसकी एंट्री करेंगे, और एंट्री यहाँ पर होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम अमाउंट रिसीव, तो 30,000 से इसकी एंट्री हम करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि बाकी जो बचा 50 रुपए है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला, तो नॉर्मल हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो एंट्री करेंगे वही एंट्री होगी। 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज 50, और 50,000 से मतलब 1 into 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे, और ये पूरी की पूरी राशि फिर हम बैंक अकाउंट में जब और ये पूरी की पूरी राशि जब हमको रिसीव होगी तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव 50,000 शेयर्स पे रिसीव हुए, यानी 50,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। एक लिमिटेड कंपनी ने 25 रुपए वाले 20,010% ऋण पत्र 5 रुपए प्रति ऋण पत्र बट्टे पर निर्गमित किए, संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दिए थी, कंपनी की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 रुपए का एक ऋण पत्र है, टोटल 20,000 ऋण पत्र है, और बट्टा जो है वो 5 रुपए प्रति ऋण पत्र यानी 5% की दर से दे होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एंट्री हमारी होगी उसमें डिस्काउंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, बट्टा दे हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि सारी राशि यहाँ पर आवेदन के साथ प्राप्त हो रही है, तो बैंक अकाउंट जब डेबिट होगा तो वहां पर क्योंकि 25 रुपीज में से 5 रुपीज तो बट्टे का चला गया, तो केवल 20 रुपीज ही यहाँ पर बच रहे हैं, तो यहाँ बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000 इंटू 20 तो 4 लाख से इसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, और क्योंकि 5 रुपीज इस पे डिस्काउंट था और 20,000 शेयर है, तो 20,000 इंटू 5 यानी 1 लाख हम यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे, और टोटल जो अमाउंट है टू 10% डिबेंचर अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वहां पर हम टोटल 5 लाख रुपीज यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ नरेशन हम लिखेंगे बीइंग 20,000 10% डिबेंचर ऑफ 25 इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 5 ए लिमिटेड ने 15,007% ऋण पत्र 100 रुपए वाले 5% बट्टे पर निर्गमित किए, इन पर रकम आवेदन पर 25%, आवंटन पर 20% और शेष याचना पर देय है, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ क्योंकि आवेदन पर भी आवंटन पर भी और याचनाओं पर भी दी गई है रकम, और 5% बट्टे पर इसका निर्गमन किया गया है, और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये जो 5% बट्टा है वो किस पर दे होगा, तो ऐसी दशा में हम इस बट्टे को अलॉटमेंट के साथ ड्यू एंड रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और क्योंकि 25% राशि यानी कि 100 रुपए का 25% यानी 25 रुपए दे होगी, तो 15,000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से यहाँ पर 3,75,000 रुपए इसके अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 15,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹25, 15,000 ऋण पत्रों पर 25 रुपए प्रति ऋण पत्र के हिसाब से एप्लीकेशन की मनी, आवेदन की मनी प्राप्त हुई। उसके बाद एप्लीकेशन की इस अमाउंट को जब हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, और 3,75,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम डिबेंचर पे अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, और हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 5% डिस्काउंट भी रहेगा, तो यहाँ हमारी ड्यू की एंट्री हो जाएगी 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और क्योंकि अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो 20 रुपीज है 15,000 शेयर्स पे, तो 20 into 15,000 तो ये 3 लाख इसके अमाउंट आ जाएगी, और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है वो 5 रुपीज है डिस्काउंट 15,000 डिबेंचर्स पे, तो 75,000 इसकी डिस्काउंट के अमाउंट आ जाएगी, और टोटल 3,75,000 जो है वो डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब इस अमाउंट के अब इसके हम रिसीव की बात एंट्री करेंगे, तो अगर रिसीव की एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट जो है बट्टा जो है वो कट के मिलेगा, जैसे हम प्रीमियम में देखते हैं कि प्रीमियम जो है एक लाभ है और वो जुड़ के मिलता है, जब हम ड्यू के बाद उसके रिसीव की एंट्री करेंगे तो करते हैं तो उसमें हम जोड़ के करते हैं प्रीमियम के अमाउंट को, लेकिन क्योंकि बट्टा जो है डिस्काउंट जो है वो एक प्रकार की हानि है तो वो कट के मिलता है डिडक्ट होके मिलता है, तो यहाँ पर जब हम बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट इस तरह से जब एंट्री करेंगे तो उसमें हम डिस्काउंट को हटाकर केवल 3 लाख से ही इसकी एंट्री करेंगे, केवल 3 लाख से ही इसकी एंट्री करेंगे, तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब क्योंकि बची हुई जो अमाउंट है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चले जाएगी, तो यहाँ पर जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हम ड्यू की एंट्री करेंगे तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी 7% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹50 फॉर 15,000 डिबेंचर, तो 15,000 पे 50 रुपीज यानी कि 7,50,000 जो है वो फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू होगी, और अब हम इसकी रिसीव की एंट्री करेंगे जो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नरेशन यहाँ हम लिख लेंगे बिंग कॉल मनी रिसीव 7,50,000। निम्नलिखित के लिए रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए, अ एक्स कंपनी लिमिटेड ने 10,005% ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए निर्गमित किए, इन पर 30 रुपए आवेदन पर 40 रुपए आवंटन पर और शेष राशि प्रथम और अंतिम याचना पर दिए हैं। ब वाई कंपनी लिमिटेड ने 2,005% ऋण पत्र 100 रुपए के प्रत्येक 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, इन पर 40 रुपए प्रीमियम सहित आवंटन पर और शेष राशि प्रथम एवं अंतिम याचना पर दिए हैं। स जेट कंपनी लिमिटेड ने 10,005% ऋण पत्र 100 रुपए प्रत्येक 10% कटौती पर जिसके भुगतान एक किस्त के रूप में होना है किया। इस प्रश्न पे हम देख रहे हैं कि तीन तरह की अलग अलग दशाएं दी गई है, तीनों ही दशाओं में अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। पहली दशा में हम देख रहे हैं कि सममूल्य पर निर्गमन किया गया है, दूसरी दशा में 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, और तीसरी दशा में दो बातें हैं कि एक तो 10% कटौती पर निर्गमित किया गया है और दूसरी एक खास बात कि सभी राशि इसमें एक साथ प्राप्त हुई है, यानी कि एप्लीकेशन पे ही सभी राशि प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में जब हम एंट्री करेंगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन की फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर हम डिबेंचर एप्लीकेशन मनी जो हमको रिसीव हुई है उसकी हम एंट्री कर रहे हैं, और नरेशन हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और 10,000 शेयर है, एक शेयर पे 30 रुपीज एप्लीकेशन है तो 3 लाख इसकी अमाउंट हो जाएगी,
उसके बाद इसके जो अमाउंट मिली है हमको एप्लीकेशन पे उसको हमको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर 3 लाख रुपीज। इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री है। तो यहाँ हम नरेशन लिखेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, और 10,000 शेयर है, एक शेयर पे अलॉटमेंट जो है वो 40 रुपीज है, प्रश्न में दिया गया है, तो 4 लाख इसकी अमाउंट हो जाएगी। और अब ये जो ड्यू हुआ है अलॉटमेंट, उस पर रिसीव की हम एंट्री करेंगे, तो यहाँ हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव 4 लाख। लास्ट यहाँ पे बोला कि जो राशि बच गई वो प्रथम और अंतिम याचना पर दे है। तो कुल 100 रुपए का एक शेयर था, उसमें हम अलॉट एप्लीकेशन पे 30 और अलॉटमेंट पे 40 रुपीज ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब 100 माइनस 30 माइनस 40 यानी कि 30 रुपीज और जो है वो बैलेंस यहाँ पे बच रहा है, उसको हम ये मान लेंगे कि वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर दे होगा, और ये मानते हुए हम जनरल एंट्री पास करेंगे यहाँ पर टू 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि 10,000 शेयर्स थे, 30 रुपीज बच रहा है, तो 3 लाख, 10,000 × 30, 3 लाख से हम इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, और फिर रिसीव की एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3 लाख। सेकेंड कंडीशन में यहाँ हम देख रहे हैं कि वाई लिमिटेड ने 2,000 ऋण पत्र जो निर्गमित किए हैं वो 10% प्रीमियम पर है। अब क्योंकि एक जो शेयर है, एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपए का है, 10% प्रीमियम, इसका मतलब ये कि 10 रुपए प्रीमियम उस पे मिला है। तो एप्लीकेशन पे क्योंकि 40 रुपए से एप्लीकेशन की एंट्री हमको करनी है, तो यहाँ फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 80,000 से इसकी एंट्री हम करेंगे, 2,000 शेयर है और 40 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन का है, और उसके बाद इसके हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री हो जाएगी, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। और क्योंकि अब हमको अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, और अलॉटमेंट के पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है कि अमाउंट जो दी हुई है अलॉटमेंट की 40 रुपीज, उसमें जो है 10 रुपीज प्रीमियम है, और एक्चुअल 30 रुपीज ही अलॉटमेंट की अमाउंट है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब क्योंकि 2,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपये प्रीमियम है, तो यहाँ पर प्रीमियम में अमाउंट चले जाएगी 20,000, और 30 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट की एक्चुअल अमाउंट है, तो 30 × 2,000 60,000 इसकी अमाउंट हो जाएगी, और टोटल 80,000 हम इसके 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 80,000। और अब हम इसके रिसीव की एंट्री करेंगे, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि रिसीव जो है प्रीमियम के साथ होगा, टोटल अमाउंट हम रिसीव के लिए लिखेंगे, और जनरल एंट्री यहाँ पर हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ नरेशन लिखेंगे फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव 80,000। अब क्योंकि बैलेंस जो अमाउंट है वो हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करना है, तो यहाँ हम जनरल एंट्री पहले ड्यू की करेंगे 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, और 30 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि 110 रुपीज टोटल इसकी अमाउंट थी, ये जो डिबेंचर इशू किए गए हैं 10% प्रीमियम को जोड़कर, तो अभी हमारे पास 80 रुपीज जो है वो हमने अभी तक कॉल कर लिया है, 30 रुपीज बचे हैं जो कि फाइनल कॉल पे रहेगा। तो यहाँ हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और यहाँ पर हम 30 रुपीज से इसकी एंट्री करेंगे 2,000 शेयर के 60,000, और रिसीव की हम इसकी एंट्री करेंगे 5% डिबेंचर फर्स्ट, और रिसीव की हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 60,000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। अब थर्ड कंडीशन में जबकि 10% डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड अब तो यहाँ पर एक बात खास ये भी है कि जो अमाउंट है वो टोटल एक साथ मिली है,
एक ही किस्त के रूप में मिली है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये जो अमाउंट है क्योंकि डिस्काउंट पे है तो यहाँ 100 में से 10 हम माइनस करके डायरेक्ट इसकी एंट्री करेंगे, तो 90 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और 9 लाख 10,000 इंटू 90 से हम इसकी एंट्री करेंगे 9 लाख से। और रिसीव ट्रांसफर की जो हम एंट्री करेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर, वो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू 5% डिबेंचर अकाउंट। तो 9 लाख जो है वो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में आ जाएगी, डिस्काउंट के जो अमाउंट है 1 लाख वो डिस्काउंट में आ जाएगा, और टोटल 10 लाख जो है वो 5% डिबेंचर अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा।